छुट्टी नहीं दे सकती, आपने जहाँ पर आया है आप खुद इसको डील करें और मुझे बराए मेहरबानी आप फोन ना करें। चलो ठीक है, मैं जो कर सकती हूँ फिर वो मैं करूँगी। ठीक है, बकवास करने की जरूरत नहीं है हरामजादा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं बहुत बुरा हशर करवाऊंगी। भाजी मेरे बड़े आराम से सुकून से बात सुने। मैं क्या मैं आराम से सुकून से बात करना चाह रही थी, मेरी बात सुने। जब मैं आराम से सुकून से बात करना चाह रही थी उस वक्त आप लोगों ने बदमाशियां की थी। क्या भाजी किया था? मैं आपकी बात हुई थी मेरे साथ सोबिया के सैलून पे। हाँ जी। कि आप मुझे लड़कियां देंगी। हाँ जी। और उसके बाद से आप भाग गई और आपने अपनी बेटियों को कह दिया कि इसको कह दो कि ये दफा हो जाए और मैं इसको कोई लड़कियां नहीं दूंगी और मैं इसको अब बताऊंगी। ये बेटियां बाजी फोन ही नहीं उठाती मेरा पहले नंबर पे। तुम्हारी बेटियों ने ही फोन उठाया था, मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, आप मुझे फॉरवर्ड। तुम्हारी बेटियों ने फोन उठाया था और उन्होंने मुझे कहा कि माँ हमारी कभी बीमार है, कभी सब्जी लेने गई है, माँ कह रही है कि इनको कह दें कि दफा हो जाए, मैं लड़कियां नहीं दूंगी। तुम्हारी मेरी जब आराम से बात हो गई थी सोबिया के पास बैठ के, तुम्हें मुझे एक लड़की दे देनी चाहिए थी ताकि मैं छुट्टी पर भेजूं। ये लड़की छुट्टी पर नहीं गई, तुम्हारी वजह से नहीं गई। मुझे एक मसाला, आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती तो जॉब पे नहीं रख सकता ना। मैं आपकी तरफ जबरदस्ती नहीं दे सकती। नहीं तो उस वक्त कहना चाहिए था सोबिया के सामने। बाजी अगर बच्चियों के सामने अच्छा होता तो मैं आपको हजारों लड़के देती। बच्चियों के साथ बिल्कुल सलूक अच्छा था, तुम झूठ फिर बोल रही हो। नहीं बाजी, लोगों ने भी मारा था इसकी किसी को नहीं मारते रहे उस बच्ची। मैंने अगर मारा था ठीक है, नहीं अगर मारा था ना तो मुझसे फिर लेकर जाकर दिखाओ। तुम लोग मुझसे झूठ बोलोगे ना तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। बाजी मैंने फिर तुम लोगों नहीं छोड़ूंगी। नहीं बाजी, क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ बोल रही हो मेरे साथ कि तुमने लड़की को मारा था? मैंने बाजी बता रही हो मेरे साथ? बाजी आपने मारा था, मैंने निशान भी बकायदा आपको कहा था कि मेरे पास है।